क्या आसान है हर हफ्ते के हर दिन 10 घंटे कोई ऐसा काम करना जिसमें बिल्कुल मन ना लगे? क्या आसान है रोज की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए इतना झूंझना? क्या आसान है इतना सब हर दिन होने के बाद अपने अंदर की इंसानियत को ना मरने देना? क्या आसान है अपनी उस आशा की किरण और उन सपनों की इच्छा को हमेशा जगाए रखना? क्या आसान है इतने सब मुश्किलों के बाद भी रोज वो मुस्कान बनाए रखना? मिलके रहते हो वो एक्चुअली पार्सल हो गए, वो नहीं है, लेकिन मैं घर संभाल रही हूँ, अच्छे से रह रही हूँ। क्योंकि बोलने वाले लोग बहुत कुछ, आजकल अकेली लेडीज कमा रही है तो मतलब बोलने वाले बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे वैसे औरत लोग रहती, लेकिन वो सब सोच के अलग ही रहती हूँ मैं। क्योंकि अपना आगे बढ़ाने का है, अपने खुद को आगे जाने का है, इसके लिए मैं बहुत ये हूँ। तो आपके मतलब हस्बैंड की फैमिली से, आपकी फैमिली से कभी सपोर्ट नहीं किया? हाँ नहीं, वो एक्चुअली क्यों हो गए तब से मतलब वो लोग मुझे पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते तो मैं उनके बारे में सोचती नहीं हूँ, क्यों सोचूं उनके लिए? वो मेरे को देखते नहीं तो मैं उनके बारे में नहीं सोचती। दादा तुमचं नाव काय? गोंटी मारेव सरंगन। 15 साल से यही काम करते हुए। काम तो एक ही है आपका, रोज एक ही चीज़? एक ही है। फिर भी आपका अंदर से कैसे आता है कि नहीं करना है मेरे को, ये कल भी करना है, परसों भी करना है, कैसे आता है? वो तो मन में आता ही है कि काम करना ही है। मजबूरी मजबूरी में करते? मजबूरी में तो नहीं करते, मतलब दिल से ही है। दिल से आता है? हाँ, मन लगता है। मन लगता है, इधर का इधर आएगा तो अच्छा लगता है थोड़ा। लोग देख के अच्छे, बच्चे देख के, ऐसा स्टूडेंट देख के ऐसा नहीं है, काम करके अच्छा लगता है। काम करके अच्छा लगता है। हाँ, सप्ताह मतलब बहुत रेयर है, मतलब हम लोगों को भी नहीं होता है घर पे। सवेरे उठने के टाइम नहीं होते तो औरत है ना, वो जानबूझ के उठाती, जाओ काम पे, जाओ घर पे। इसलिए फिर वो गुस्से से फिर जाना पड़ता है। ताई आपका नाम क्या है? रमा ताई, रमा भाई। हम लोग इधर 12-15 साल हो गए हम लोग को काम करते हैं। कॉलेज में? इस कॉलेज में जब स्टार्ट हुआ था तभी से हम लोग यहाँ पे काम करते। मतलब किस रीजन की वजह से आप ऐसे आ पाते हैं? अपने बच्चे लोग के लिए, अपने बच्चे लोग की ख्वाहिश पूरा करने के लिए रिजाइन करना पड़ता है। घर पे बैठेगे तो अपने को पैसा कौन देगा, इतना महंगाई बढ़ गया। तो आपका क्या सपना था कि आपको क्या बनना था? मेरा तो सपना बहुत बड़ा था लेकिन मेरा सपना पूरा अधूरा हो गया। क्या बनना था आपको? मेरा सपना तो बहुत ये था लेकिन मैं नहीं बन पाई। अभी के बच्चे लोग को उतना मेहनत धूप में काम करने का बोलेगा तो होएगा नहीं, जल्दी उठते नहीं बच्चे लोग, ये परेशानी होती है ना। हम लोग कैसे भी उठ के काम करते हैं, घर का काम करो, बाहर का काम करो, कर सकते हैं, लेकिन अभी के बच्चे लोग 10 बजे तक उठेंगे नहीं सो के, फिर वो लोग की ख्वाहिश ऐसा काम में होने वाली है क्या? 10,000-12,000 पगार में क्या होने वाला है? वो लोग को भी ज़्यादा पगार होना चाहिए, ये ख्वाहिश है हमारी। उनसे हमें काफ़ी मदद मिलती है। सुबह से जैसे कि आप देखते हो कि दिन भर स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। नॉर्मली लोग टेबल्स पे गिलास प्लेट्स छोड़ के चले जाते हैं क्लास के लिए, क्लासेस के लिए जैसे लेट होता है तो सब छोड़ के चले जाते हैं।
तो यहाँ की जो हाउस कीपिंग है तो मेंटेन करके सब एक डस्टबिन में रखती है। सपने तो सभी के हैं बड़े, सब आसमां को छूने हैं चले, इसी भीड़ का हिस्सा ये भी है, बड़े ना सही सपने इनके भी हैं। जैसे कोई इंसान आम या खास नहीं होता, ये मुस्कुराते हुए चेहरे है गवाह इस बात का, छोटा या बड़ा कोई काम नहीं।